नमस्कार दोस्तों, मैं नंदुजाट और आप देख रहे हैं नंदुजाट सीके चैनल। और आज का ये वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे मदर टेरेसा की थीम्स के सिक्के भेजे हैं सेल करने के लिए। वो लोग स्पेशली इस वीडियो को देखें, और जिन लोगों ने मदर टेरेसा के 5 रुपए के इन सिक्कों का कलेक्शन करके रखा है और वो सेल करने के लिए रखे हुए हैं, और वो लोग इन सिक्कों का लाखों का ख्वाब देख के बैठे हुए हैं, तो वो लोग इन सिक्कों की सही कीमत जरूर जान लें, क्योंकि इनमें जो महंगे सिक्के हैं उनकी पहचान कुछ अलग है, और जो सिक्के कॉमन है वो कॉमन ही है, उनकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है जितनी आप समझ के रखे हुए हैं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मदर टेरेसा के रेयर सिक्के नहीं है, क्योंकि मदर टेरेसा के रेयर सिक्के भी हैं, लेकिन वो जो सिक्के रेयर हैं उनकी पहचान अलग है, वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो अगर आपने मदर टेरेसा के 5 रुपए के सिक्कों का कलेक्शन किया है और आप इनको बेचने के लिए रखे हुए हैं, या फिर आप सिक्कों का कलेक्शन करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कहीं पे भी मिस नहीं करना। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो जानते हैं दोस्तों 5 रुपए के इन रेयर सिक्कों के बारे में। इन सिक्कों की क्या फिजिकली डिटेल है, कौन सा सिक्का रेयर है, क्या वैल्यू दे सकता है। वैसे तो 5 रुपए के मदर टेरेसा के सिक्के कॉमन सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए हैं, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे। इसमें सिक्के का रिवर्स भाग है, उसमें मदर टेरेसा का फोटो बना हुआ है, और उसके नीचे ईयर और मिंट मार्क मेंशन है, और बाहर में जो मदर टेरेसा का नाम लिखा हुआ है, मदर टेरेसा हिंदी इंग्लिश में ऊपर की साइड में, और नीचे जन्म सती बर्थ सेंटेनरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, और उसके नीचे 1910 से 2010 लिखा हुआ है, और मदर टेरेसा के जस्ट नीचे फोटो के नीचे आपको डॉट का मिंट मार्क देखने को मिलता है, मतलब ये नोएडा मिंट का सिक्का है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये सिक्के भारत के 4 मिंटों में जारी किए गए थे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। इसके लिए चारों ही मिंट मार्क आपको देखने को मिलेंगे, मुंबई का डायमंड का मिंट मार्क, कोलकाता का कोई भी मिंट मार्क नहीं होता है, हैदराबाद का स्टार का मिंट मार्क और नोएडा का डॉट का मिंट मार्क, जो कि आप इस सिक्के में देख रहे हैं। सिक्के को पलटी करके देखते हैं तो बीच में ऊपर की साइड अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, नीचे डिनोमिनेशन 5, एक साइड भारत रुपए हिंदी में, दूसरी साइड इंडिया रुपीज इंग्लिश में, और उसके बाद में अगर एज देखते हैं तो ये रेडी एज में देखने को मिलेगा ये सिक्का आपको। 2010 में इस सिक्के को जारी किया गया था 6 ग्राम वजन के साथ में, निकिल ब्रास धातु यूज किया गया है, और सिक्के का जो डायमीटर है वो 23 mm का है, थिकनेस सिक्के का 2 mm है, जो आप देख सकते हैं। अब ये जो रेयर सिक्का है इसकी क्या पहचान है, इसका कुछ तो वजह है, और उस सिक्के को आप पहचानेंगे कैसे। तो इस सिक्के को मैं एक बार यहां पे रखता हूं, 2010 का सिक्का है, ईयर अच्छे से मेंशन है इसमें, ये देखना अच्छे से। उसके बाद में जो रेयर सिक्का है वो है ये वाला सिक्का, ये रेयर सिक्का है, ये कॉमन सिक्का है। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा सिक्का है, ये कौन सा सिक्का है, एक्चुअली में ये सिक्का इस टाइम पे एक कॉमन सिक्का है, 2010 में जारी किया गया 5 रुपए का, ये कॉमन सिक्का है। इसमें डाइवराइटी जरूर है, लेकिन वो सिक्के रेयर नहीं है, उन सिक्कों को रेयर नहीं समझे, 2010 के जो डाइवराइटीज कॉइन है उनको रेयर नहीं समझना है। जिसमें आपने ईयर देखा होगा, ईयर अलग अलग डाई से वो मेंशन किया गया है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में, इसके लिए वो सिक्के रेयर नहीं है। अब यहां पे ये सिक्का इस सिक्के को रेयर बनाता है, लेकिन वो कैसे बनाता है ये इस वीडियो को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। 2010 में इस सिक्के को जारी किया गया था, मुंबई मिट से जारी किया गया, और ये मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा, ये सिक्के भी ऐसे ही अलग अलग मिंट से जारी किए गए थे, 2010 के डेफिनेटिव सर्कुलेशन के लिए जारी किए गए 5 रुपए के सिक्के। अब यहां पर यह सिक्का हो जाता है इस 5 रुपए के सिक्के से म्यूल, मतलब सिक्के का रिवर्स भाग सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे इस सिक्के का रिवर्स भाग ओवर भाग है, वो इस सिक्के का ओवर भाग इस सिक्के में ऐड हो जाता है। जैसे अभी आप देख सकते हैं ये वाला अशोक स्तंभ इस अशोक स्तंभ की जगह पे आ जाता है, तो यहां पे इस सिक्के का डिनोमिनेशन ही गायब हो जाता है, क्योंकि इस सिक्के का अशोक स्तंभ के नीचे डिनोमिनेशन है और इसमें डिनोमिनेशन है ही नहीं, तो मतलब इसका तो ये सिक्का, जैसे आप पलटी करके देखेंगे मदर टेरेसा का 5 रुपए के इस सिक्के को आप पलटी करेंगे, ऐसे घुमा के देखेंगे, तो आपके सिक्के में आपको क्या देखने को मिलेगा,
ये वाला अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, मतलब डिनोमिनेशन गायब, कहीं पे भी डिनोमिनेशन नहीं है इस सिक्के का। तो ये मदर टेरेसा का जो 5 रुपए का सिक्का है बहुत ही महंगा सिक्का होता है, इसको हम कॉमन सिक्का नहीं बोल सकते, लेकिन ये सिक्का मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक बात जरूर बोलूंगा, जब भी आपके हाथ में 5 रुपए का मदर टेरेसा का ये वाला सिक्का हाथ में आए, जब भी कभी भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या कोई भी सिक्का पड़ा हुआ होता है मदर टेरेसा का, तो आपको इसको एक बार ऐसे पलटी करके जरूर देखना चाहिए। देखने पे अगर ये डिनोमिनेशन है तो कॉमन है, बस कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है मदर टेरेसा के इन 5 रुपए के सिक्कों में। ये डिनोमिनेशन मतलब अशोक स्तंभ के नीचे ये वाला है तो कॉमन है, लेकिन यही पलटी करने के टाइम पे अगर ये वाला मिल जाता है अशोक स्तंभ, ये वाला अशोक स्तंभ अगर आपको मिल जाता है तो ये रेयर सिक्का बन जाता है। अब बात करें अगर इस सिक्के की वैल्यू की, अगर आपका सिक्का रेयर होता है, मतलब ये सिक्का आपका ऐसा होता है, तब इस सिक्के की वैल्यू आपको क्या मिल सकती है, ये मतलब एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो ये बहुत महंगा सिक्का बन जाता है अगर ये म्यूल कॉइन होता है। इस टाइम पे ये म्यूल कॉइन है, जब आप देख रहे हैं, अगर ये साइड इसका दूसरा साइड में ये वाला अशोक स्तंभ आपको मिल जाता है तो ये एक म्यूल कॉइन है, और इसकी वैल्यू आज के टाइम पे भी आपको 8 से 10 हजार रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन ये सिक्का मिलना इतना आसान नहीं है। इसके लिए जब भी आप कोई ऐसा सिक्का बेचने के लिए निकले या कुछ भी कोई भी एग्जीबिशन शेयर करें, तो इस तरह से आप ये कॉमन सिक्के ले जाके आप खुद का टाइम भी वेस्ट ना करें और दूसरे का टाइम भी वेस्ट ना करें। और जिन लोगों ने मुझे मदर टेरेसा के 5 रुपए के सिक्के बेचे हैं, उनमें एक सिक्का मुझे मिला है, वो भी एक मतलब डाई रोटेशन कॉइन है, उसका थोड़ा सा डाई रोटेशन है, तो वो एक उनका कलेक्टिबल सिक्का है। बाकी सारे के सारे सिक्के ये हैं कॉमन, तो वो लोग अपने सिक्के वापस ले सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा जो डाई रोटेशन कॉइन है उसकी कीमत बढ़ते रहती है, कभी बढ़ भी सकती है, कभी कम भी हो सकती है। सिक्के की कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसके लिए मैं उस सिक्के की वैल्यू अभी आपके सामने डिसाइड नहीं करूंगा, उसके साथ मतलब ये मेरा प्राइवेट मामला है। और इसके साथ में ही मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास में ऐसा कोई 5 रुपए का म्यूल कॉइन होता है, ये वाला जिसमें अशोक स्तंभ ये वाला होता है, तो ये सिक्का आप मुझे सेल कर सकते हैं। सेल करने के लिए आपको नंदूजाट RJ23 इंस्टाग्राम पर इस सिक्के का वीडियो बनाकर मुझे सेंड कर देना है, और उसके बाद में उस सिक्के की कीमत के बारे में डिसाइड करेंगे। क्योंकि ये सिक्का देखो यहाँ पे UNC है, तो ये मतलब एक कलेक्टिबल सिक्का है, लेकिन इस टाइम पे इसकी वैल्यू फेस वैल्यू ओनली 5 रुपए है। अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो इसकी वैल्यू फेस वैल्यू 5 रुपए होती है, लेकिन ये अशोक स्तंभ अगर इस सिक्के का अशोक स्तंभ ये वाला होता है तो ऐसा सिक्का भी एक अच्छी वैल्यू दे सकता है। तो इस तरह से आप इन सिक्कों का कलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मदर टेरेसा के 5 रुपए के रेयर सिक्के कौन से हैं। जो सिक्के रेयर हैं वो ही रेयर हैं, बाकी कॉमन सिक्के हैं वो बिल्कुल भी रेयर नहीं है। उनकी कीमत आप अगर ऐसे मानो ऐसा पुराना सिक्का 20 रुपए में भी बेचना चाहो, 10 रुपए में बेचना चाहो, तब भी ये नहीं बिकेगा, क्योंकि ये 5 रुपए का ही सिक्का है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक करो, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लो, ताकि आने वाली दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।